हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस जो थे पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी मूवमेंट ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट फुल इंडिपेंडेंस, क्रिएटिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट या प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। गांधी जी का मूवमेंट था जो विदेशी चीजों का बॉयकॉट किया गया था स्वदेशी आंदोलन के तहत, उसका एम पूछा है कि क्या था। तो बताइए उसका एम क्या था उस मूवमेंट का, कौन सा आंसर यहां पे सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 58 ईयर, 60 ईयर, 62 ईयर, देर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है एज लिमिट बतानी है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मिनिमम हमें पता है 35 होनी चाहिए, अब पूछा है मैक्सिमम एज कितनी होती है। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे देर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम की जो है कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम होनी चाहिए 35, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड राज्यपाल, तीनों के लिए। नेक्स्ट देखिए, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रिसेट विद ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। जवाहर रोजगार योजना जो थी वो किस सरकार ने जो है इंप्लीमेंट की थी। तो राइट आंसर आएगा यहां पे स्टेट गवर्नमेंट, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड फॉर कन्वेंट द लोकसभा, 1/6, 1/8, 1/10 या 1/5। तो बताइए कितनी चाहिए लोकसभा के सदस्यों का, कितने मतलब कितना भाग, 1/6, 1/8, 1/10 या 1/5। तो राइट आंसर आएगा यहां पे 1/10। ठीक है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल, हु इज ही, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन या स्पीकर ऑफ लोअर हाउस। जो बराबर वाले में पहला होता है कौन होता है वो, बताइए कौन सा यहां पे सही होगा, ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल। तो राइट आंसर आएगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, देहरादून, बैंगलोर, हैदराबाद, श्रीनगर। सिलिकॉन वैली के बारे में बताना है कि कहां पर है ये भारत में सिलिकॉन वैली, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। तो देखिए राइट आंसर होगा यहां पे बैंगलोर, सिलिकॉन वैली कहां पर है, बैंगलोर में। ओके, अगला देखिए, द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम इज, कुलदीप नायर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम, इस बुक की ऑथर कौन है, बताइए कौन है इस बुक के ऑथर। आंसर कीजिए कौन सा यहां पे सही होगा, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द आरबीआई इशू करेंसी नोट्स अंडर द फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम,
फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो आरबीआई जो है करेंसी नोट्स किसके मतलब अंडर में जो है इशू करती है, आंसर दीजिए कौन सा सही होगा यहां पे। तो राइट आंसर आएगा फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है, इसके अंडर जो है आरबीआई करेंसी नोट्स इशू करती है। नेक्स्ट है विच डे इज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, दिसंबर 10th, अक्टूबर 24th, नवंबर 25th, नन ऑफ द अबव। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मानव अधिकार दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो बताइए कौन सा सही होगा यहां पे। राइट आंसर आएगा दिसंबर 10th, 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान टिल 1959 वॉज, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हैदराबाद। पाकिस्तान की कैपिटल पूछी है 1959 तक कौन सी थी, बताइए कौन सी थी। अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है, इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की कैपिटल है। अब 1959 में जो है पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी थी, कराची, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए इन इंडिया फेरा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फीमा, फेटा, फीना या फेला। फेरा को किस से रिप्लेस कर दिया गया है इंडिया में, बताइए कौन सा सही होगा। इन इंडिया फेरा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, तो राइट आंसर आएगा फीमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिप्लेस किया गया है फेरा को, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए द टर्म पीसी मीन प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोफेशनल कंप्यूटर या पर्सनल कैलकुलेटर। पीसी की फुल फॉर्म बतानी है क्या होती है, तो बताइए कौन सी होती है पीसी की फुल फॉर्म। राइट आंसर आएगा पर्सनल कंप्यूटर, बी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो इंग्लिश जो है कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो राइट आंसर आएगा नागालैंड, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 2001, 2004, 2005, 2002। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पास हुआ था, किस ईयर में जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। तो देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज डायरेक्ट, इनवर्स, प्रोपोर्शनल या स्टेबल रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप बतानी है वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल के बीच में कैसी रिलेशन होगी, तो राइट आंसर आएगा यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप, बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट, एनएनपी माइनस ग्रोस, जीएनपी माइनस पर्सनल इनकम या पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। तो डेप्रिशिएशन बताना है किसके बराबर होता है, डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू, तो राइट आंसर आएगा यहां पे जीएनपी माइनस नेट, नेट प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी माइनस एनएनपी क्या होगा, डेप्रिशिएशन होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए
इन एन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इंटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस आएगा यहाँ पे, बेसिक लिखा हुआ है, बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए इकोनॉमी में जो है सेक्टर्स क्लासिफाइड होती है, पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, वो किस बेस पे जो है उन्हें बांटा गया है, तो बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो राइट आंसर आएगा ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, ठीक है, ओनरशिप के बेस पर जो उन्हें बांटा गया है कि ये पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, एम के गांधी, तारा अली बेग। तो ये बुक बतानी है कि किसने लिखे हैं, ऑथर कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बुक के ऑथर कौन है, तो बताइए कौन है इसके ऑथर। तो राइट आंसर आएगा यहां पे एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज, लूनी, नर्मदा, कृष्णा, बीस। तो इंडियन डेजर्ट की जो है भारतीय मरुस्थल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम बताना है कौन सी है, ओके, तो आंसर कीजिए कौन सी है। ये जो नदी है ये निकलती है पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज, ठीक है, अजमेर के पास है पुष्कर वैली, वहां से ओरिजिनेट होती है और बहती हुई यहाँ पे बहती हुई ये नदी जो है जहां पे इसका एंड होता है वो है गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है, पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है और गुजरात में जो कच्छ का रहना है वहां पर ये खत्म हो जाती है, एंड हो जाता है इसका, ओके। तो उस रिवर का नाम है लूनी नदी, ठीक है, लूनी रिवर जो पुष्कर वैली से ओरिजिनेट और कच्छ के रण में खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नागा अर्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा, चंबल, कोसी या सतलुज। नागा अर्जुन सागर डैम बताना है किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है, बताइए किस नदी पर है नागा अर्जुन सागर बांध डैम। तो देखिए ये कहां पर है नागा अर्जुन सागर डैम, ये है आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कौन सी नदी पर है, ये है कृष्णा नदी पर, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेज ऑफ सेम हाइट एट इक्वल इंटरवल्स आर होचर्स, स्पॉट हाइट्स, आइसोमर्स, कॉन्टर्स। तो बताइए क्या कहा जाएगा इन्हें, जब सेम हाइट होगी और इक्वल इंटरवल पे जो इमेजिनरी लाइन को ज्वाइन करेंगे तो क्या कहलाएगा। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे कॉन्टोर्स, यानी कि समुच्चय रेखाएं, क्या बोलेंगे इन्हीं से हिंदी में, समुच्चय रेखाएं, ओके। नेक्स्ट देखिए, स्टैगफ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ स्टैग्नेशन एंड डिफ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड रिसेशन, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन या स्टैग्नेशन एंड रिकवरी। स्टैगफ्लेशन के बारे में बताना है कि किस तरीके की सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन, कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम पहले भी, इकोनॉमी से रिलेटेड हमने जो मॉक टेस्ट किया था उसमें किया था स्टैगफ्लेशन, तो बताइए कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर आएगा यहां पे स्टैगनेशन एंड इन्फ्लेशन, ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगनेशन एंड इन्फ्लेशन, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वट इज खेतड़ी इन राजस्थान फेमस फॉर, कॉपर माइन, मीका माइन, बॉक्साइट माइन, लाइमस्टोन माइन। तो राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, वो किस चीज के लिए फेमस है ये बताना है आपको, तो आंसर कीजिए खेतड़ी किस चीज के लिए फेमस है, बताइए कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे। तो देखिए राइट आंसर आएगा यहाँ पे कॉपर्स माइन, कॉपर्स माइन के लिए फेमस है खेतड़ी, राजस्थान का खेतड़ी कॉपर माइन के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एंड एस्चुरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, महानदी।
इस सेंचुरी क्या होता है, नदी का मुहाना, कौन सी नदी जो है मुहाना बनाती है इनमें से, तो बताइए कौन सी नदी है जो मुहाना बनाती है। तो राइट आंसर आएगा नर्मदा नदी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्या, अशोका, कनिष्का। तो चरक जो था वो किसके शासनकाल में था, फिजिशियन था ये, वैद्य था, किसके शासनकाल में चरक। तो राइट आंसर आएगा ये कनिष्क के शासनकाल में, डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है, ग्रेट स्तूपा एट सांची इज इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सांची का स्तूप कहां पर बनवाया गया था, बताइए कौन सा सही होगा, कहां पर बनवाया गया था सांची का स्तूप। तो राइट आंसर आएगा मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन एज कलानूर, 13, 15, 18, 20। तो अकबर की एज बतानी है उस वक्त कितनी थी जब इसका जो है राज्य अभिषेक किया गया था कलानूर में, एज कलानूर। अशोक की सॉरी अकबर की एज बतानी है, राज तिलक के समय अकबर की एज कितनी थी। तो राइट आंसर आएगा यहां पे 13, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज इज करेक्ट। ब्रह्मचर्या, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार दिए गए हैं, तो इनमें से सही बतानी है कि कौन सी पहले आएगी और फिर उसके बाद, असेंडिंग चढ़ता क्रम बताना है हमें। तो बताइए कौन सी होती है सबसे पहली एज, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में से, तो कौन सी जो है यहाँ पे सही है। आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। देखिए ब्रह्मचार्य की जो एज होती है वो होती है 0 से 25 साल, यानी कि जन्म से लेकर 25 साल तक। फिर आता है गृहस्थ, गृहस्थ जीवन की जो एज बताई गई है वैदिक काल में, आर्यों के काल में, तो वो बताई गई है 25 से 50। वानप्रस्थ की 50 से 75 और संन्यास की 75 से 100। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रिसोर्स विच कैन बी यूज कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर आर कॉल्ड बायोटिक, एबायोटिक, नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल। तो वो रिसोर्सेज जिनका हम कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, साल दर साल जो है जिनका हम यूज कर सकते हैं साल दर साल, वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो राइट आंसर आएगा रिन्यूएबल रिसोर्स, डी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कोस्ट दैट बिलोंग टू केरला इज नोन एज कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कन्नडा कोस्ट। कोस्ट के बारे में बताना जो बिलोंग करती है केरला से, जो केरला से बिलोंग करती है उस कोस्ट को क्या कहा जाता है, बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर पूछा जाता है ये कोस्ट से रिलेटेड, ठीक है। कई बार कोंकण कोस्ट पूछ लेते हैं, कई बार कोरोमंडल तट पूछ लेते हैं, तो अभी पूछा गया है कि कौन सी कोस्ट है जो बिलोंग करती है केरला से, कौन सा तट जो है वो केरला से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर आएगा मालाबार तट, यानी कि मालाबार कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर कॉपर, जिंक, मिका, गोल्ड। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुर, वो किस चीज के लिए फेमस है, तो बताइए अनंतपुर किस चीज के लिए फेमस है।
अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश में है वो फेमस है गोल्ड के लिए, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहादुर शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधीज, सक्सेसर ऑफ शेरशाह सूरी, लास्ट मुगल रूलर रूलर या सक्सेसर ऑफ द मराठा रूलर शिवाजी। बहादुर शाह के बारे में बताना है कि कौन था वो, तो बताइए कौन था बहादुर शाह, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कौन था बहादुर शाह, बहादुर शाह था लास्ट मुगल रूलर। ठीक है, बहादुर शाह कौन था, लास्ट मुगल रूलर। यहाँ पे लास्ट रूलर ऑफ लोधी दिया, तो लास्ट रूलर कौन था लोधीज का, इब्राहिम लोधी, ये भी याद रखिए। और बहादुर शाह कौन था, लास्ट मुगल रूलर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, झांसी। तो बताइए 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने जो है कहां से शुरुआत की थी। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने कहां से की थी, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर या झांसी। तो राइट आंसर आएगा बैरकपुर से, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु सैड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, एम के गांधी, बी जी तिलक, जे के गोखले, बी आर अंबेडकर। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वॉटर बॉयल्स एज ए लोअर टेम्परेचर ऑन द हिल्स बिकॉज इट इज कोल्ड ऑन द हिल्स, देर इज लेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द हिल्स, देर इज डिक्रीज इन एयर प्रेशर ऑन द हिल्स, देर इज लेस ऑक्सीजन। तो देखिए, वाटर बॉयल्स एज ए लोअर टेम्परेचर ऑन द हिल्स बिकॉज, उसका कारण बता रहा है कि पानी जो है वो उबलने लगता है, तो बताइए क्या कारण है एज ए लोअर टेम्परेचर ऑन द हिल्स। तो आंसर कीजिए कौन सा सही होगा यहां पे। तो राइट आंसर आएगा देर इज अ डिक्रीज इन एयर प्रेशर ऑन द हिल्स, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर द चोरा चोरा चोरी चोरा इंसिडेंट, गांधी जी सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। चोरी चोरा की जो घटना हुई थी उसके बाद गांधी जी ने कौन से मूवमेंट को जो है खत्म कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर आएगा यहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे योग आंदोलन को जो है खत्म कर दिया था चोरा चोरी की घटना के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेफ्रिजरेटर कीप फूड अनस्पॉइल्ड बिकॉज एट इट्स लो टेम्परेचर बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स आर इनएक्टिव, एट इट्स लो टेम्परेचर द जर्म्स आर किल्ड, एट इट्स लो टेम्परेचर द जर्म्स आर फ्रोजन, इट स्टेरिलाइजेस द फूड। तो बताइए रीजन क्या है। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे एट इट्स लो टेम्परेचर बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स आर इनएक्टिव। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हैविंग ए बी ग्रुप ऑफ ब्लड एंड डोनेट ब्लड टू पर्सन हैविंग ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप या ओ ग्रुप। एक पर्सन जो ए बी ग्रुप का है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो अपना ब्लड किसे डोनेट कर सकता है। तो बताइए ए बी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यानी कि मतलब सभी से जो है वो खून ले सकता है। अब यहाँ पे पूछा गया कि वो डोनेट किसे कर सकता है ब्लड, तो किसे डोनेट कर सकता है, सिर्फ ए बी ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, सिर्फ उसे ही जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, किसी और को नहीं कर सकता। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाई डू बर्ड्स नॉट हैव
रेस्पिरेटरी ट्रबल एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड. देयर लंग्स आर वेरी लार्ज, दे फ्लाई इनएक्टिवली, दे हैव एक्स्ट्रा एयर सैक्स या दे यूज लेस ऑक्सीजन. कीजिए आंसर. उन्हें क्यों नहीं होती है ट्रबल हाई मतलब हाई एल्टीट्यूड पे उड़ने में भी बर्ड्स को, रीजन क्या है उसका? आंसर बताइए कौन सा सही होगा यहां पे. तो राइट आंसर आएगा दे फ्लाई इन नहीं सॉरी दे हैव एक्स्ट्रा एयर सैक्स. ठीक है, दे हैव एक्स्ट्रा एयर सैक. ओके, तो सी ऑप्शन जो है यहां पे सही होगा. नेक्स्ट देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सन, ग्रीन प्लांट्स, शुगर प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, एटीपी. तो इकोसिस्टम में बताना है कि एनर्जी का सोर्स कौन सा है. सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, बताइए कौन सा सही होगा यहां पे. राइट आंसर आएगा यहां पे सन. ठीक है, सन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकल. तो स्टेनलेस स्टील में जो है कौन सा एलिमेंट नहीं होता है, बताइए कौन सा एलिमेंट नहीं होता है स्टेनलेस स्टील में. तो देखिए, स्टेनलेस स्टील बनता है आयरन, क्रोमियम और निकल, इन तीन चीजों से बनता है स्टेनलेस स्टील. इसमें क्या नहीं होता है? टंगस्टन नहीं होता है. तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द वन विच इज नॉट ए मिक्सचर, एयर, गैसोलीन, एलपीजी, डिस्टिल्ड वाटर. वो बताना है जो मिक्सचर नहीं है. तो बताइए कौन सा इसमें से मिक्सचर नहीं है, यौगिक नहीं है, नहीं सॉरी हाँ यौगिक नहीं है. आंसर कीजिए कौन सा नहीं है मिक्सचर. राइट आंसर आएगा डिस्टिल्ड वाटर. डी ऑप्शन जो है सही होगा. नेक्स्ट देखिए, द टेम्परेचर विच हैज द सेम रीडिंग ऑन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री, माइनस 34 डिग्री, माइनस 140 डिग्री. तो देखिए, तापमान जो है वो दोनों ही स्केल्स पे, चाहे फारेनहाइट स्केल हो या सेल्सियस स्केल हो, सेम रीडिंग आएगी. तो वो बताइए कौन सी है. आंसर कीजिए कौन सा सही होगा यहां पे. तो राइट आंसर आएगा माइनस 40 डिग्री. ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ड बाय इंग्लिश इन कैलकटा? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया. तो बताइए अंग्रेजों ने कलकत्ता में कौन सा फोर्ट बनवाया था. आंसर कीजिए इसका कौन सा सही होगा. तो राइट आंसर आएगा यहां पे फोर्ट विलियम बनवाया था कोलकाता में. ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट देखिए, नेशनल इनकम इंक्लूड फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, पॉकेट मनी ऑफ ए चाइल्ड, विनिंग ऑफ ए लॉटरी प्राइज या कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस. इनमें से कौन सा जो है नेशनल इनकम के अंडर आएगा, नेशनल इनकम इंक्लूड, बताइए कौन सा सही होगा यहां पे. तो राइट आंसर आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस. डी ऑप्शन जो है सही होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए नीड टू कीप लार्जर एरिया अंडर फॉरेस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, रेजिंग परसिपिटेशन, जियोलॉजिकल बैलेंस. तो वनों का होना क्यों जरूरी है एक बहुत बड़े एरिया पर, क्यों है हमें वनों की जरूरत? तो बताइए कौन सा सही होगा यहां पे. तो राइट आंसर आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके ताकि. ठीक है, पेड़ पौधे जो है वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, हु अमंग अस द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गुरु ऑफ द सिख? गुरु अर्जुन देव,
गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव। तो लास्ट गुरु बतानी है सिखों के कौन थे। आंसर कीजिए कौन थे सिखों के लास्ट गुरु। तो राइट आंसर आएगा गुरु गोविंद सिंह। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्मड द स्वराज पार्टी आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। स्वराज पार्टी जो थी वो किसने बनाई थी? चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, ठीक है। इसने पूछा कि किस मूवमेंट के बाद बनाई थी, तो बताइए किस मूवमेंट के बाद बनाई थी। स्वराज पार्टी जो थी ये बनी थी 9 जनवरी 1923 को। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि किस मूवमेंट के बाद बनाई गई थी ये। तो राइट आंसर आ जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सिचुएशन ऑन विच टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ब्रेक इवन पॉइंट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन। उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा जो टोटल रिवेन्यू इक्वल होगा टोटल कॉस्ट के, इसे क्या कहेंगे बताइए, इसे क्या कहा जाएगा। तो राइट आंसर आएगा ब्रेक इवन पॉइंट, क्या कहेंगे इसे, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, When two cubes of ice are pressed on each other, what is the cause of their being one? Van der Waals force, dipole moment, hydrogen bond formation या covalent attraction? Reason क्या होगा इसका? तो right answer आया यहां पे covalent अट्रैक्शन, डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन मिल्क इज चर्न्ड द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स। तो बताइए मिल्क में से जब क्रीम अलग हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। किस फोर्स के द्वारा अलग होती है? तो राइट आंसर आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, साउंड वेव, लाइट रेज या हीट वेव्स। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस क्या क्या प्रोड्यूस करता है? राइट आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द क्रॉप विच ऑक्यूपाइज मैक्सिमम कल्टीवेटेड एरिया इन इंडिया इज राइस, व्हीट, ग्राम, लाइंस्ड। जिसकी खेती जो है भारत में सबसे ज्यादा एरिया पे की जाती है बताइए कौन सी है वो। तो राइट आंसर आएगा राइस, ठीक है चावल की खेती, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, कुलाम, ईएसयू, केल्विन। एसआई यूनिट बतानी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पे कुलाम, क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट, कुलाम, ठीक है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, Who was the Chola king who brought Ganga from north to south? Rajaraj Chola, Mahindra, Rajendra Chola या Prantaka? तो उस राजा का नाम बताना है, कौन सा चोल राजा था जो गंगा को नॉर्थ से साउथ में ले गया, बताइए कौन सा राजा था, क्या नाम था उस राजा का। तो राइट आंसर आएगा राजेंद्र चोल, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज इश्यूड इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्सेस,
रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन वॉयलेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, हेबियस कॉर्पस, बार बार पढ़ चुके हैं हम हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये किस से रिलेटेड होती है, ये क्यों इशू की जाती है, तो बताइए उसका रीजन क्या है। सबका सही आना चाहिए क्योंकि मैं ये इतनी बार बता चुकी हूँ बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला हेबियस कॉर्पस क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा यहां पे रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन, यानी पुलिस जो है उस किसी भी आदमी को बिना किसी अपराध के अगर पकड़ लेती है तब जो है ये रिट जारी की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, क्योंकि उसमें उसे जानने का हक होता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड ई रेजर, मेजर, ग्रेजर या लेजर। तो लाइट बीम बतानी है जो हाईली डायरेक्शनल होती है, बताइए कौन सी बीम लाइट बीम है, आंसर कीजिए। राइट आंसर आएगा लेजर बीम, लेजर बीम इज हाईली डायरेक्शनल। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोस्फेरिक आर इज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बताइए कौन सा है एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा। राइट आंसर आएगा नाइट्रोजन, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइबर डाइट इंक्लूड्स ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज, फैट, फाइबर डाइट में क्या होता है, बताइए क्या होता है फाइबर डाइट्स में। फाइबर डाइट इंक्लूड सेलुलोज, ठीक है, क्या होता है सेलुलोज, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्यूबरकुलोसिस इंफेक्शन इज बाय मींस ऑफ माइकोबैक्टीरियम एवोनिन, स्टेफिलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या स्ट्रिप्टोकोकस। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किससे होता है, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा यहां पे। राइट आंसर आएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी एग्रो एग्रो आएगा, सॉरी यहां पे एग्रो लिखा हुआ है, ये एग्रो आएगा, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन इंडिया एज फार एज द ऑफिशियल कैटेगराइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज कंसर्न्ड, ठीक है, ऑफिशियली बतानी है कितने जोन्स में जो है बांटा गया, ओके तो बताइए कौन सा सही होगा, कितने क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया ऑफिशियली, 123, 126, 127 या 122। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे 126 जोन्स में, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड वेटेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वर्ल्ड वेटेस्ट कॉन्टिनेंट बताना है कौन सा है, तो बताइए कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पे साउथ अमेरिका, डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन लो लाइंग एरियाज अर्थ कवर इज कॉल्ड एज सैनिटरी लैंड फिलिंग, ओपन डंपिंग, कंपोजिंग, इंसिनरेशन, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। लो लाइंग एरियाज जो होते हैं उनमें जो कवर करते हैं सॉलिड वेस्ट उसे क्या कहते हैं, राइट आंसर होगा यहां पे सैनिटरी लैंड फिलिंग, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमिशिबल नॉइस लेवल एट रेसिडेंटल एरिया ड्यूरिंग नाइट टाइम इज 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल या 80 डेसिबल। तो रात के समय में नॉइस लेवल मतलब कितनी की परमिशन है कि इतना ही नॉइस लेवल हो सकता है रेसिडेंटल एरिया में, ठीक है, रेसिडेंटल एरिया में बताना है, साइलेंट एरिया नहीं पूछा है, रेसिडेंटल, साइलेंट जोन का अलग होता है, रेसिडेंटल का अलग होता है, तो बताइए कितना है नाइट के लिए।
तो राइट आंसर आएगा 45 डेसिबल। ठीक है, अगर डे की बात करें रेसिडेंटल एरिया में तो वो कितना है, वो है 55 डेसिबल तक, ठीक है, नॉइस लेवल। ठीक है, तो ये हो गया रेसिडेंटल एरिया में, 55 जो हो गया डे में और 45 हो गया नाइट में। इसी तरह साइलेंस जोन में भी पूछ सकता है कि नॉइस लेवल कितना होना चाहिए। तो साइलेंस जोन में अगर डे की बात करें तो डे में होता है 50 डेसिबल और नाइट में 40 डेसिबल तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज विमल जलान, दीपक चोपड़ा, अमिताभ घोष, एन के सिंह। तो ऑथर बताने हैं इस बुक के, फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है। आंसर कीजिए कौन सा सही होगा यहां पे। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बुक के ऑथर हैं विमल जलान, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ ए मोनोपोलिस्ट इज मोर देन प्राइस, इक्वल टू प्राइस, लेस देन प्राइस या लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। मोनोपोलिस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू बताना है। मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट कौन होता है, एकाधिकार रखने वाला मनुष्य, उसका जो है रिवेन्यू बताना है कितना होता है। मोर देन प्राइस, प्राइस से ज्यादा होता है, इक्वल टू प्राइस होता है, लेस देन प्राइस होता है, लेस देन मार्जिनल कॉस्ट होता है। बताइए कौन सा सही होगा यहां पे। तो राइट आंसर होगा यहां पे, सॉरी, लेस देन प्राइस। ठीक है, लेस देन प्राइस होगा। ओके, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया इज पैम्प्रीव, ह्यूमिडिटी, वाइंड या रेनफॉल। तो जो भारत में जो है एग्रीकल्चर को जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, वेदर के बारे में पूछा है उसके, तो बताइए कौन सा एलिमेंट है वेदर का जो अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट है, वट वॉज चंद्रगुप्त सेकेंड ऑल्सो नोन एज, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणा गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय और मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। तो बताइए किस नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य के नाम से, सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है, October 2nd of every year has been declared by UNO as International Non-Violence Day, International Heritage Day, International Moral Value Day या International Anti-Terrorism Day। 2 अक्टूबर को UNO के द्वारा क्या घोषित किया गया है हर साल, किस रूप में मनाया जाता है 2nd अक्टूबर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे International Non-Violence Day के रूप में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इंटू सेचुरेटेड फैट, H2O2Cl2SO2। कौन सी गैस यूज की जाती है वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करने के लिए, सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है। तो आंसर कीजिए कौन सी गैस यूज की जाती है। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, विटामिन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो बॉडी को एनर्जी जो है कौन देता है, आंसर कीजिए कौन देता है बॉडी को एनर्जी। तो राइट आंसर आएगा यहां पे कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम, अर्थवर्म एंड लीच, मैन एंड व्हेल, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश, टैडपोल लार्वा एंड फिश। तो इनमें से कौन सा पेयर है जो ओपन टाइप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा यहां पे।
तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कॉकरोच एंड सिल्वर फिश, सी ऑप्शन जो है सही होगा। ये क्या होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट है, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट या कैल्शियम बाइक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बताना है क्या होता है, तो बताइए। ब्लीचिंग पाउडर है यहां पे, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? तो राइट आंसर आएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 1952, 1976, 1979, 1989। फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, बताइए किस सन में, यानी कि किस ईयर में जोड़ा गया, और ये किस अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे? 42 सेकेंड अमेंडमेंट के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, और कौन से ईयर में? 1976 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन प्लांट्स वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, परस्पिरेशन, ऑस्मोसिस। वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रूट हेयर्स, क्या कहा जाएगा इस प्रोसेस को? बताइए कौन सा सही होगा यहां पे? यहां पे राइट आंसर आएगा ऑस्मोसिस, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। उस एलिमेंट का नाम बताना है जो पौधों को चाहिए लार्ज क्वांटिटी में, कौन सा एलिमेंट चाहिए पौधों को? आंसर कीजिए कौन सा चाहिए इनमें से। द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी, तो राइट आंसर आएगा नाइट्रोजन। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स आर वर्शिप्ड इन द सेंक्चम ऑफ बद्रीनाथ इन केदारनाथ टेम्पल रिस्पेक्टिवली, विष्णु एंड शिवा, शिवा एंड विष्णु, विष्णु शिवा एंड पार्वती, विष्णु एंड ब्रह्मा। तो बताना है बद्रीनाथ के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है और केदारनाथ के मंदिर में किसकी। ठीक है, पहले बद्री वाला आएगा फिर केदारनाथ वाला, तो बताइए किसकी पूजा की जाती है बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर में? तो देखिए बद्रीनाथ के मंदिर में पूजा की जाती है विष्णु की और केदारनाथ मंदिर में शिव की, तो विष्णु शिवा जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट डज नॉट अकर इन अटलांटिक ओशियन, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील करंट, पेरू करंट, कैनरी करंट। तो कौन सी धारा है जो अटलांटिक ओशियन में नहीं आती है, तो बताइए उस धारा का नाम कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे पेरू करंट, पेरू करंट जिसे और किस नाम से जाना जाता है, हम्बोल्ट करंट, यानी कि हम्बोल्ट धारा। ठीक है, हम बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं पेरू करंट को, ये अटलांटिक ओशन में नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 79 है। इस वीडियो में जो है टोटल 79 क्वेश्चंस थे, तो अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस जो आपके करेक्ट हुए। देखिए क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताने हैं कौन थे, तो बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चंस जो एसएससी में पूछे गए थे, ये 2009 और 11 का पेपर था, आई थिंक दोनों को मिक्स करके बनाया था, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बन रहे थे, जो हमने पहले नहीं किए थे वो क्वेश्चंस रखे थे सिर्फ। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे जो हम कर चुके हैं उन्हें मैंने छोड़ दिया था, उन्हें जो है ऐड नहीं किया इसमें। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।